करो ना यार, नया पराठा आया मार्केट में, सुना है बड़ा फेमस हुआ, मैंने टेस्ट करना है। कहते ने टीवी दे खाने को फुल वर्गा फुल ऐसा आंदा कि वो अंदर इंसान दे चला जाता है, जो अंदर चला जाता वो फिर काफ़ी बड़ा हो जाता, बीमारी अंदर आ जाती। जा चला जा, साढ़े को कुछ है नहीं तेन मारने वास्ते। आ पानी पिया रहे, नवा पसूड़ी पवाती। हेलो एंड वेलकम टू वोकली। लोगों की बातों की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमने जब लोगों से ये पूछा कि कोरोना वायरस आपकी नज़र में क्या है, हुकूमती कारकर्दगी से आप किस हद तक मुतमईन हैं, मीडिया पर आने वाली खबरें आपकी नज़र में कैसी हैं, और कोरोना वायरस और इस वबा से बचाव के लिए आपके पास क्या हल है, तो आप लोगों ने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं। डेढ़ साल हो गए जितना कोरोना है, काम छूट गया। नहीं नहीं, और जितने भी मालिक हैं वो पागल तो नहीं है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं दूसरे मालिक पागल नहीं है। तो है पता नहीं, ये हमें भी आज तक इलम नहीं हुआ कि कोरोना कहाँ पे है, सब कुछ ही झूठ है। कोरोना कहाँ पे है, कहाँ पे है कोरोना, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कोरोना। नहीं, आपने इम्पोर्टेंस लेनी है तो मॉल में चले जाए, वो आपको हर गुजरने वाला बंदा कहेगा उनके सीएसओ सर मास्क ऊपर कर ले, सर मास्क ऊपर कर ले, आपको सारे बात कर। कोरोना एक बीमारी है, बुखार होता है, जुकाम होता है, इस तरह की। कोरोना यार नया पराठा आया मार्केट में, सुना है बड़ा फेमस हुआ, मैंने टेस्ट करना है। कनी आ गया यार, ए कोरोना नहीं के नाल जी मैं ले जा चला जा, साडे को तो कुछ है नहीं तेरे मारने वास्ते। शादी होवे तो ओथे कोरोना है, फौतगी होवे तो कोरोना नहीं हुंदा। सर मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको हुआ है। बिल्कुल सच्ची बात है, हमारे अजीजों कारम में भी कई लोगों को कोरोना हो चुका है। पहले ये सुनने को मिलता था कि कोरोना नहीं है, है ही नहीं, किसी को देखा है आपने, अब तो दूसरे तीसरे चौथे लोगों में देखने को मिलता है कोरोना, बिल्कुल है क्यों नहीं है। यस, ये जो ना अफवाह की वजह से है ना, ये कोरोना की वबा की वजह से इसीलिए मास्क लगाए। वो तो कहते थे कोरोना गर्मियों में कम होता है और सर्दियों में ज़्यादा होता है। वबा है कि इससे जुकाम हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, सांस की कमी हो जाती है, सांस रुकता है। वो जल्दी इनको मर गया। मास्क जो है आप कह सकते हैं 40% जो है ना लोगों ने पहने हुए हैं, जो गवर्नमेंट बता रही है ये सब राइट है। अच्छा। ठीक है ना, हाँ जी ठीक है ना, कोरोना है ये डजंट मैटर कि कोरोना नहीं है। ठीक है, कोरोना मेरी अपनी फैमिली से दो बंदे जो है ना कोरोना की शिकार होकर मर चुके हैं। पहले लोगों के दिलों में खौफ था, अब जो चीज़ है उसमें खौफ नहीं है लोगों के दिलों में। कोरोना क्या है, अच्छा। पहले भी सांस बीमारियां आती थी, नज़ला जुकाम होता ही था, ये कोई नई बीमारी है, ये कोरोना अच्छा। नहीं लगती, ये एक दो ये हमारा अपना माइंड सेट होता है या वहम होता है हमारा, वहम होता है। हाँ जी, जितने भी लोग मरे हैं कोरोना से नहीं मरे, उनको वैसे कोई और बीमारियाँ होंगी। हाँ हाँ। पर मीडिया वालों ने ये इशू किया कि ये कोरोना से मर गए। मुझे कुछ भी नहीं लगता, देखिए ये कोरोना नहीं है, ये अफवाह है, ये मास्क सेल करने के लिए, ये कितने जी और कुछ भी नहीं है, ये लोगों का और सांस बंद हो या निकल लगा, ये मरते क्यों नहीं, किसे नहीं, सारे मोहल्ला ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं की बीमारी जी लोगों ते आ गई है, तो वजह तो काम छड़ा लिया लोगों ने। कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो आजकल बहुत आम हो रही है पाकिस्तान में भी और पंजाब में भी ज्यादा हो रही है। हाँ, कईयों ने देखा है, कईयों ने देखा ये, कईयों तो बचते भी हैं पे। कहते ने टीवी दे विच खाने को फुल वर्गा फुल ऐसा आंदा कि वो अंदर इंसान दे चला जाता है, जो अंदर चला जाता वो फिर काफ़ी बड़ा हो जाता, बीमारी अंदर आ जाती, वो भी किसी काबिल नहीं रहिंदा बंदा, बंदे तो बंदे नू जो बंदे दे नाल अटैच होंदा है ना, उस तू दूए नू शुरू हो जाती है। सुबह 9 बजे कोरोना नहीं होता, शाम 6 बजे तक, और उसके बाद कोरोना आ जाता है।
ठीक हो गया। और फिर सैटरडे संडे कोरोना फुल टाइम होता है, ठीक है ना, एक लॉजिक है। फिर मैरिज हॉल जो है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बच्चों के स्कूल, इनमें कोरोना रूज पे है, ये बंद है, बाकी किसी जगह पे कोरोना भाई बंदे की कह रहे हैं कि बंदे इसमें मर रहे हैं, वो हो रहा है इसके अंदर। तो अब देखो ये तो सारे बहुत, एक तो मजदूर पहले मरा पड़ा हुआ है और मर गया है, अब देखो इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ ही झूठ है। कोरोना कहाँ पे है, कहाँ पे कोरोना, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कोरोना। नहीं ये तो ड्रामे कर रही है ना, वो तो बाद में 5 साल गुजरेंगे तो इमरान साहब से पूछेंगे आपने क्या किया, उन्होंने कहना कोरोना में गुजर गया 5 साल। जिसने शुरू किया था, चाइना से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने 1 मंथ में खत्म कर दिया था। यहाँ पे तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, बाद में है तो यहाँ पे तो अभी तक चल रहा है। कह तो रहे हैं कि बंदे मर जाते हैं सर, अगर गवर्नमेंट सच्ची बातें करेगी तो गवर्नमेंट कौन कहेगा, मुझे पहले ये बताएं। गवर्नमेंट अगर सच्ची बातें करेगी फिर गवर्नमेंट नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। हुकूमत बहुत ही सच बोल रही है वो कह रही है, हुकूमत झूठ नहीं बोल रही, हुकूमत सही बोल रही है। क्या करें, ये हुकूमत की दादागिरी है और इसमें हम क्या कर सकते हैं सर। ये सच्ची तो बातें कर रही है सर, सब मिलेगा, अब तो सब ने लगाया होता है जब से वो FIR हो रही है ना सबके ऊपर, सबका हो रहा है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे लाहौर में, मतलब पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऐसे ही है ना। अगर हम गवर्नमेंट पे जाते हैं तो वो असल में बेसिकली जो उन्होंने कहना है ना, जो उन्होंने करना होना वही है, हमारे वहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि हमने क्या करना है, जो हमने क्या कहना है और हमारे कहने पे कुछ होगा, जो उन्होंने कहना है वही होना है। वो जो है, हमने अपने मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए, आप भी देखते हैं कि जो हमारा मुल्क है उसकी एक कमर है जी कारोबार, ठीक है ना। ये सब कुछ बंद कर दिया जाएगा ना तो गवर्नमेंट पर सारा खर्चा, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है अभी कि जो है हम वो पाकिस्तान का पूरे जो 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम का खर्चा उठा सके। ये आवाम के कारोबार वगैरह बंद हो गए हैं, लोग इससे परेशान वगैरह हुए हैं काफ़ी। पता नहीं इतने अडाले वाले आते, वो तो यही आते हैं इमरान खान का ऑर्डर है भी बंद करो 6 बजे दुकाना, तो फिर बेचारे डरते बंद कर देते हैं। अभी हुकूमत तो बता रही है जो कुछ भी बता रही है, लेकिन हमें जो अफवाहें मिल रही हैं उनके तहत हमें तो हिफाजत अपनी करनी चाहिए ना। हुकूमत गल् सुन रहे हैं वो सचिया भी हैं, कई वैसे ही हैं। कोरोना है, एक्सेप्ट करते हैं हम लोग कोरोना है, लेकिन उतना नहीं है जितना इन्होंने शोर मचाया। फैलते हैं वही कह रहा हूँ ना, 50-50। मेरा आपको पहले आंसर देते 50-50 है। ये लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना है और वाकई है। सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक, मैं तो यही बोल। मीडिया आपका बिकाऊ है, वो फिर सियासतदानों पे चलता है, जाहिर बात है। अब जैसे वो कह रहे हैं हमने तो वैसे ही मानना है। यार मीडिया जो है ना, मीडिया आपको दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा स्पाइस मिला के ये वो घुमा फिरा के, आप भी मीडिया का हिस्सा हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा यार। जो सच्ची बातें हो रही हैं, ये सच्ची बातें, ये बिल्कुल कन्फर्म बता रहे हैं। मीडिया पे तो बहुत सारी मीडिया है ना, कौन किसी के मुंह पे हाथ दे सकता है कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं। मानने वाली तो है सर, बात सच्ची है। मीडिया देखो, अब हर तरह का चलन है, उन्होंने हर तरह से अपनी वो चटपटा बनाना है, आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो हुकूमत कह रही है, जो मीडिया कह रहा है, जिधर जिसको सही लग रहा है वो कर रहा है, जो हो रहा है वो जिनको सही लग रहा है वो वही कर रहा है। मीडिया को पैसे चाहिए होते हैं, मीडिया कुछ भी कह सकता है। अच्छा, कुछ भी कह सकता है। हाँ जी, क्या फजूल है साहब, ये कुछ भी नहीं है, ये तो हम नहीं जानते, कोई कह रहा है झूठी है, कोई कह रहा है सच्ची है, कई सच्चियां ने तो कई झूठियां भी ने। अगर आप इसको 10 बजे तक भी ले जाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन वही ना सोशल डिस्टेंसिंग वो रखोगे तो फिर नहीं कोई इशू होगा। क्वारंटाइन करे बस 15 डेज, बस घर पे रहो, बस लॉकडाउन में घर पे रहो, बस एहतियात तो कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं ना। ये देखिए फासला है हमें, और मैंने आपको टच तो नहीं किया, और मैं हैंड सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली इतना वाया तो है ना कि कोरोना नहीं हो सकता। इसका हल है ही बीमारी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर लोगों को हुई है, उन्होंने अपने आप को अपने घर तक महदूद रखा, 15 से 20 दिन में बीमारी चली जाती है। अगर आप इस बीमारी में हॉस्पिटल चले गए तो आपका घर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको मार के कोरोना में डाल दिया, तो इसलिए बेहतर आप घर में ही एहतियात कर लें। कोरोना जब हो जाए तो दूरी है ना, ये 6 फीट की, थोड़ा और दूर हो मुझसे आप। हाँ इतना ठीक है, इसका हल कोई भी नहीं है। अगर एक से दूसरे को लग रहा है तो एक दूसरे को ना मिले, फिर तो गले मिले आप मेरे से, लेकिन मिले ना।
हाँ जब मिलेंगे नहीं फिर फासला खुद ही आ जाएगा। किटा बंद कर लेकिन यह सामना कर लोगों का रोजगार भी बने। ऐ नहीं है कि लोग बेरोजगार हो जाए तो मार्केटा बंद हो गई तो लोग बेरोजगार होंगे। कोई सिलसिला इस तरह का कर जो जिन्होंने लोग जो मजदूर ने खास करके मजदूर जड़े ने उन्होंने वास्ते बेहतर होए। यदा हल अल्ला ही कड़ सकता है इस मुल्क दे विच अच्छा नहीं हो सकता जिनी देर तक असी खुद अच्छे ना हो जाइए। हल ये है कि लॉकडाउन ना होना चाहिए, बकाया एहतियात होनी चाहिए। इससे यह होगा कि हमारा एक पाकिस्तान का एक कल्चर है वो ये है कि एक मर्द जो औरत जो है वो अकेली बाजार में नहीं जाती है, उसके साथ दो तीन औरतें भी साथ में जाती हैं या उसका मर्द साथ में जाता है या उसका भाई साथ में जाता है। तो जब वो औरत साथ होती है तो गैदरिंग में मज़ीद वैसे ही इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये है कि औरत के बाज़ारों में पाबंदी लगा दें तो यहाँ पे आपको वैसे ही आधा रश मिलेगा। मार्केट्स बंद करने के बजाय मार्केट्स में से जो हमारी खवातीन है उनकी एंट्रेंस पे पाबंदी लगा दें। शॉपिंग औरतें वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना, तो बाज़ारों में SOPs को फॉलो करने का वाइद एक यही तरीका है कि रश कम करना है, रश कम करना है तो वो खवातीन को के ऊपर पाबंदी लगा दें, एक दफ़ा 144 लगा दें। हुकूमत कुछ कर सकती है, आवाम के तो उसके जहन में तो कुछ भी नहीं है अभी तक। हमें चाहिए कि हम मास्क पहन ही रखें जहाँ भी जाएं, तो ये गवर्नमेंट की बात सुने। मेन हल आपको दो ही बता दें, या प्रॉपर बंद कर दें या खोल दें। अगर खुला हुआ है तो आप प्रॉपर खोल दें। मेन रोड बंद होती है ना तो हर इलाके को ना अंदर 5-6 गलियाँ लगती हैं, ऐसे ही है। मेन रोड बंद होती है अंदर वही काम हो जाता है, उससे ज़्यादा रश हो जाता है और ज़्यादा क्लोज होकर लोग जाते हैं तो फ़ायदा कोई नहीं। तो इसमें तो बताया कि डिस्टेंस रखना है तो फ़ायदा नहीं रहा उसका। वो जब मास्क पहन के रखेंगे ना वो बच जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी तो गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप अपने प्रॉपर SOPs पे कोरोना SOPs पे करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ना के जो है आप शेक हैंड करें, ना गले मिलें, इस चीज़ से परहेज करें। तो ये खाने पीने वाली चीज़ें ये बंद करें क्योंकि ज़्यादा इन पे इशू हो सकता है, क्योंकि इंसान ने खाना है। ये कपड़ों से मार्केटों से बंद होने से ये क्या कि कोरोना क्या खत्म हो जाएगा, किस तरह खत्म होता है। ये जो खाना पीना ये बंद करवाएं क्योंकि और घर में बना के खाए जी, ये बंद करें ना। ये क्यों नहीं, ये तो ओपन एयर सब कुछ हो रहा है, ये क्यों नहीं बंद हो रहा। हाल वो बंदा ही हूँ करेगा जड़ा बैठा है, उन्हें बंद कराया सारा कुछ। अगर ये बीमारी वाकई में है तो हमें हिफाजत करनी चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि इसकी एहतियात लाजमी है। अगर ये अफवाह ही है तो फिर जैसा हुकूमत बोलती है वैसा ही करना चाहिए। हल बचत करनी चाहिए, एक दूसरे से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, दूर होना चाहिए एक दूसरे से, फिर ही है बचाव हो जाए। ये फिर तो मास्क पहन के रखना बंदा नहीं नहीं वो तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, ये रखा है मेरा यार, मैंने उतार के रख रहा है, कोई मसला। कोरोना मगरों ले जा कंजरा।